देश भर में चुनावी माहौल पूर्ण रूप से अपने चरम सीमा पर है। सभी दल अपने अपने तरीके से जनता को आकर्षित करने के लिए विभिन्न कदम उठा रहे हैं। देवभूमि की धरती उत्तराखंड में भी नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। स्थानीय मुद्दों पर हर एक प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपने आप को जनता का हमदर्द बता रहा है। सक्षम न्यूज इंडिया संवाददाता शुभम गुप्ता ने वार्ड नंबर 5 के कांग्रेस प्रत्याशी बलराम गिरी से चर्चा की। देखिए हमारी यह खास पेशकश। नमस्कार, स्वागत है आपका सक्षम न्यूज इंडिया में। मैं इस वक्त आपके साथ शुभम कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चुनावी एक्सप्रेस। नॉन स्टॉप चुनावी एक्सप्रेस में हम हैं और हम यात्रा पे हैं इस उत्तराखंड देवभूमि की। हरिद्वार में हैं हम, चर्चा कर रहे हैं चुनाव को लेकर के। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां यहाँ पर भी काफी तेज है। एक तरफ जहाँ 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में लोकल बॉडी के चुनाव की सरगर्मियां हैं। हमारे साथ बीजेपी से एक स्थानीय नेता है, हरिद्वार में है हम जिस जगह पर हैं थोड़ी दूर पे हरकी पैड़ी माँ गंगा है, और हमारे साथ वार्ड नंबर 5 से एक स्थानीय नेता जी है बीजेपी से। आप फील्ड में जा रहे होंगे, निवर्तमान यहाँ से आप पार्षद भी हैं, क्या देखते हैं? देखते ये है कि हमने अभी पिछले 5 साल में काम किया है। पहली बात तो 3 साल प्रदेश में जो सरकार रही उसके द्वारा जो है स्थानीय निकायों को कोई भी धन आवंटित नहीं किया गया जिससे वो जन समस्याओं का निस्तारण कर सके। लेकिन जैसे ही सरकार बदली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और सरकार आने पर जो सरकार ने स्थानीय निकायों को सुदृढ़ करने के लिए तो धन आवंटित किया और साथ साथ जो जन समस्याएं थी उनके निराकरण के लिए सरकार ने सतत प्रयास किए, उसी के परिणाम स्वरूप अब निरंतर 1 वर्ष के अंदर अंदर इस क्षेत्र में इतने कार्य चल रहे हैं कि शायद कोई गली कूचा बचे जिसमें कि निर्माण कार्य ना हो रहा हो। और मैं समझता हूँ कि आम जनता इस बात को देख रही है और जगह जगह जहाँ हम जाते हैं वो जनता ने काम देखना है, कोई अपने मुँह से तो कोई कह नहीं सकता, लेकिन बहुत बढ़िया चल रहा है। 2014 में बहुमत के साथ बीजेपी केंद्र में आई थी, उसके बाद ये सिलसिला जो चला 17 राज्यों तक पहुंच गया। आप बीजेपी से हैं, हम जिस जगह पे खड़े हैं थोड़ी दूर से ही माँ गंगा है। एक वाक्य आपने सुना होगा, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। आपने कहा कि 3 सालों तक जो सरकार थी काम नहीं कर रही थी, उसके बाद बीजेपी की सरकार आई काम कर रही। अभी हम कांग्रेस के प्रत्याशी से यहीं से आपके वार्ड से तो कांग्रेस प्रत्याशियों से चर्चा कर रहे हैं। साफ तौर से उनका कहना था तीर्थ नगरी हरिद्वार, पर्यटन स्थली हरिद्वार, गंगा नदी के किनारे लोग सोच के जा रहे थे अभी कुछ दिन पहले मेला लगा हुआ है, और आप कह रहे हैं कि बहुत तेजी से काम हो, इज्जत घर बनाने का काम बोल रहे हैं कि बहुत सारे इज्जत घर हमने बनवाए शौचालयों को लेकर के, स्वच्छ भारत अभियान की बहुत सारी चर्चाएं हैं, तो फिर ये कांग्रेस का प्रत्याशी का आरोप कितना जाएगा? देखिए ऐसा है कि आरोप तो कोई भी लगा सकता है, हम भी किसी पर लगा सकते हैं। पहली बात तो आपको बताऊँ, 2014 में मैंने खुद कांग्रेस के लिए काम किया, पर दुख इस बात का हुआ कि जब मुख्यमंत्री बने उन्होंने कोई हमारी 2 बार में मुख्यमंत्री से मिलने गया, इतना भी हुआ कि जाकर के मैं उन्हें त्याग पत्र देकर के आया कि इस निकाय को बंद कर दिया जाए। और रही आपने स्वच्छ भारत अभियान की बात, तो स्वच्छ भारत अभियान को ही सरकार अकेले दम पर नहीं चला सकती, स्वच्छ भारत के लिए हर आदमी को स्वच्छ बनाना पड़ेगा, हर आदमी को स्वच्छ मन रखना पड़ेगा। अगर हम ही गंगा के प्रति जो है उसके प्रदूषण को रोकने के प्रति, उसमें गंदगी ना करके प्रति सजग नहीं रहेंगे तो कोई भी रोकने वाला नहीं, चाहे सरकार किसी की भी आए। आपको लग रहा है कि गंगा अभियान जो चलाया गया था, गंगा को लेकर 2014 में जो मंत्रालय बनाया गया था उस पर सही ढंग से काम हो रहा है? ऐसा है कि मंत्रालय एक तो थोड़ा सा कामों के प्रति जो सरकार कार्य करती है उसकी बड़ी लंबी प्रक्रिया होता है। अब पहले सरकार उसकी योजनाएं बनाएगी, फिर उसकी DPR तैयार होगी, DPR तैयार होने के वो जो है जाएगी, उसके ऊपर प्रस्ताव जाएंगे। सर, मैं रोकना चाहूँगा, 2014 में सरकार बनी, 2018 समाप्ति की ओर चुनाव की सरगर्मियाँ अभी से तेज हो गई, आप कह रहे हैं कि बहुत लंबी प्रक्रिया है, डेट खत्म होने पर अब कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ, अमृत गंगा योजना की जो हमारी अमृत योजना चल रही है इसकी प्रक्रिया बता रहा हूँ कि सेंट्रल से हमारे पास पैसा आ गया 2015 में पेयजल लाइनों के लिए, लेकिन सरकार ने उसकी DPR स्वीकृत नहीं करी। आप बताइए, जब सरकारी जो स्थानीय सरकारें स्वीकृत नहीं करी तो केंद्र का पैसा लगेगा कैसे? उसके कारण आज हम धोखे में, अब जाकर के वो टेंडर हुए और टेंडर होने के साथ जैसी ऑर्डर वर्क ऑर्डर दिए जाने थे उसी आचार संहिता लग गई। आप निर्दलीय इसके पहले 88 के दौर पर चुनाव लड़े, जीते भी, जनता के बीच गए होंगे, जनता के भरोसे को आपने जीता होगा, जनता के उम्मीदों पर कितना खड़े होंगे ये अगला चुनाव आपको बताएगा, लेकिन
जब हमने यहाँ पे पता किया तो 6 महीने पहले आपने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। मैंने 27 दिसंबर 2016 में इस्तीफा दिया, वो कार्य प्रणाली को लेकर के इस्तीफा दिया कि मुझे जो अपना बोर्ड की कार्य प्रणाली थी, अधिकारियों का जो उसमें नेचर था, जो कार्य करने की हमारे अधिकारियों की नीति थी, वो मुझे अच्छी नहीं लगी, इस कारण मैंने रिजाइन कर दिया। 2014 में सरकार बनी थी, बीजेपी अपने कब तक? ऐसा है, मैंने सही बात तो यह है कि मैंने आज तक भी मैं बीजेपी का कोई सदस्य नहीं था। आप एक बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि भाजपा का मैं सबसे पहला जीवन का वोट मैंने 1984 में जब दिया, भाजपा के लिए काम किया, भाजपा को वोट दिया, आज तक भाजपा की रीति नीति में विश्वास करता रहा। ये अलग बात है कि इन्हीं कारणों से मैं भाजपा से अलग ही रहा। मैंने बहुत चुनाव भी लड़ाए, स्वयं पहली बार मैं आकर के इस बार जो है नगरपालिका का पार्षद बना। आपकी बातों से कुछ अलग झलकियाँ भी नजर आ रही हैं, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं। कभी आपने कहा कि भाजपा को लेकर के मैं जिस तरीके से जुड़ा, इसके पहले आप निर्दलीय थे, मन दिल भाजपा में है भी आपका? बिल्कुल है, न होने का कारण क्या है? तो कारण तो होगी जिस कारण मेरा भाजपा में जन्म। अब क्या लगता है किन बातों को लेकर के, किन उम्मीदों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे, जनता आपको क्यों चुने? ऐसा है कि हर क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग अलग होती है। हमारा क्षेत्र जो है शिवालिक पर्वतमाला की तहटी में बसा हुआ क्षेत्र है। हर बरसात के अंदर यहाँ पर जो है ऊपर से पहाड़ से इतना पानी और मिट्टी आती थी कि शायद जिसके चिन्ह भी आपको अगर अंदर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं। जब से मैंने जो है इस पर कार्रवाई सिर्फ 2000 में करी थी शुरू, लेकिन उसको करते करते अभी 4 साल पहले सच तो पानी नहीं आया, इस साल भी पानी जो है भयंकर पानी बाढ़ से आया और हमारा पूरा इलाका तहस नहस हो गया। उसके ऊपर कुछ काम है जो हिल बाईपास पर होने थे, उसके लिए आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, वो दर्द बता रहा हूँ आपको जो मैंने सहा है कि 4 करोड़ 99 लाख का इस्टीमेट, जो कि कोई भी सरकार रही हो प्रदेश में उसने बार बार कहा कि हिल बाईपास का हम ट्रीटमेंट करेंगे और बड़े बड़े वैज्ञानिक बुला के उसकी जो है उन्होंने जांच करवाई और जो जांच रिपोर्ट वैज्ञानिकों ने दी उस पर कार्रवाई आज तक नहीं हुई। पहली बार जब पिछली बार अभी अर्थको मेला बीता है, उससे पहले हमने सारे योजनाओं को अमली जामा पहनाते हुए सारे इस्टीमेट तैयार करे, 4 करोड़ 99 लाख का इस्टीमेट तैयार हुआ जिससे हिल बाईपास का ये जो भूस्खलन होता रोक दिया जाए, लेकिन सरकार ने उसके लिए पैसा ही नहीं दिया। मात्र 1.5 करोड़ रुपए में पूरा हिल बाईपास निपटा दिया, जिसमें से 60 लाख का एक पुल बना और बाकी सड़क नहीं बना पाए, केवल पैच वर्क किए और वो कार्य नहीं हुआ जिसका परिणाम इस साल हमने भुगता। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।